नाजरीन, आर्मी लाइफ पे तो अब तक कई ड्रामे बन चुके हैं, क्यों ना पुलिस वाले की जिंदगी पे भी ड्रामा बनाया जाए जिसमें पुलिस वाले को रिश्वत लेते हुए अच्छे बुरे तमाम करते दिखाया जाए और इस ड्रामे से हमें चंद ऐसे सवालों के जवाब मिले कि जिससे पता चले कि पाकिस्तान की पुलिस आखिर क्यों खराब है, पुलिस को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, पुलिस वाला आखिर रिश्वत क्यों लेता है और रिश्वत का पैसा पुलिस वाला कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है, रिश्वत का पैसा किस को जाता है, क्या रिश्वत के बगैर नहीं रहा जा सकता, क्या पुलिस में अच्छे लोग भी हैं या नहीं, क्या पुलिस वाला भी शहीद होता है और मीडिया में उसकी शहादत को किस तरह पेश किया जाता है, शहीद होने वाले को क्या मिलता है, बीमार होने पर इलाज कैसे करवाया जाता है, ड्यूटी कितनी और छुट्टी कितनी मिलती है, एक पुलिस वाले की ड्यूटी की आखिर नोयत क्या होती है, क्या बॉर्डर पे खड़े जवान की तरह पुलिस के जवान को उसके दुश्मन की निशानदेही होती है कि कब और कहां से उसको निशाना बना दिया जाएगा, जब ड्यूटी पे होता है तो कौन इसे इसका खाना इसके पॉइंट पर पहुंचाता है, हमारे अवाम कैसे हैं और इनकी तवक्कुआत पुलिस से क्या हैं, क्या पुलिस अवाम से मुखलिस है, जब कोई जुर्म होता है तो पुलिस की कारकर्दगी कैसी होती है, क्या हमने कभी पुलिस का मुस्बत चेहरा देखा या मीडिया पर दिखाया गया, अगर हमने कभी पुलिस का मनफी चेहरा देखा तो इसे रोकने के बजाय कैसे और किस तरह फैलाया, पुलिस के काम में कौन कौन और किस किस तरह असरअंदाज होता है, क्या पुलिस ठीक हो सकती है और अगर हो सकती है तो कैसे, क्या है कोई गैरतमंद प्रोड्यूसर जो ऐसा ड्रामा पेश कर सके, यकीनन नहीं होगा और अगर हुआ भी तो उसे ऐसा ड्रामा कोई नहीं बनाने देगा, क्योंकि अगर उसने इस ड्रामे को ईमानदारी से बना लिया तो इसमें बड़े बड़े किरदार नंगे हो जाएंगे, काश कि कोई ऐसा हो कि जो पुलिस को दरपेश मसाइल पर एक ड्रामा बनाए जिसको देखकर अवाम अंदाजा कर सके कि पुलिस को कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है।